पता काके, खेलो कि नहीं खेलो? खेलो ना पापा, दिल खोल के खेलो। जब क्रिकेट खेलते हो तो एकदम हीरा लगता है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी को लेकर, क्योंकि कल रिलीज़ होने वाली थी और आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए 2 दिन पूरे हो चुके होते अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई होती। तो सभी को पता है ये फिल्म बार बार काफ़ी बार पोस्टपोन हो चुकी है अभी तक, जब से ये फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। अगर बात करें फिल्म को लेकर तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म अगर रिलीज़ हुई होती तो आज अपने दूसरे दिन क्या कलेक्शन कर रही होती और उसका क्या कलेक्शन हो चुका होता 2 दिनों के अंदर अंदर, और आने वाले टाइम में जब रिलीज़ होगी तब कितना कलेक्शन कर सकती है, क्या एक्सपेक्टेड रेट्स निकल के आ रहे हैं फिल्म को लेकर। चलिए गाइस जानते हैं आज इस वीडियो में। वेल, आपको पता है जर्सी मूवी एक स्पोर्ट ड्रामा मोटिवेशनल रीमेक फिल्म है तेलुगु फिल्म की। अब बात करें फिल्म को लेकर तो लीडिंग में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर, पहली बार कोलैबोरेट कर रहे हैं दोनों, और वहीं इसको डायरेक्शन दिया गौतम तिन्नूरी ने। बजट जो इसका है वो है 70 करोड़ रुपए, तो इसको एटलीस्ट अगर हिट का वर्डिक्ट हासिल करना है तो 100 करोड़ कमाने होंगे, जो कि मुझे लग रहा है ये फिल्म कल रिलीज़ होके नहीं कमा पाती। जहाँ पर RRR के शोज हाउसफुल चल रहे थे परसों तक, वहीं ना अगले दिन KGF Chapter 2 ने RRR के सारे शोज छीन लिए, खासतौर पे हिंदी वर्जन में। तो मुझे लग रहा है अगर जर्सी कल रिलीज हुई होती तो मुश्किल से मुश्किल इंडिया से 5 करोड़ का कलेक्शन कर रही होती ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों का क्या हाल हो रहा है, खासतौर पे रीमेक फिल्मों का। और ये फिल्म आज मैक्सिमम 4-5 करोड़ का और कलेक्शन कर रही होती तो आप कह सकते हो कि जर्सी फिल्म का अगर कल रिलीज हुई होती तो मैक्सिमम जो कलेक्शन होता 2 दिनों के अंदर अंदर वो होता 15 करोड़ के आसपास। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ये है कि फिल्म अब 22 तारीख को जब रिलीज़ होगी तो आसानी से 10 करोड़ प्लस की ओपनिंग पहले दिन ले लेगी और वहीं 12-13 करोड़ कमा रही होगी अपने दूसरे दिन, जहाँ पर चांसेस हैं कि फिल्म 22 तारीख को रिलीज़ होकर 25 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर ले 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर, तब ज़्यादा चांसेस हैं, बेटर चांसेस हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको ये एक्सपेक्टेड रेट्स क्या लगी, अच्छी लगी या बेकार, आपकी राय क्या है फिल्म को लेकर कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना।